बाबा धाम में एजेंट की मनमानी, दर्शन के नाम पर 11,000 की मांग, पुजारी बन साथ चलने की होती है डील। देवघर में सावन में मचा लूट, प्रति व्यक्ति 5,000 की मांग तो कोई मांग रहा है 11,000। भारी भीड़ के बीच मंदिरों में शीघ्र दर्शन के नाम पर मची लूट, देवघर में श्रद्धालुओं को बनाया जा रहा है बेवकूफ। स्पेशल जुगाड़ से सीधे मंदिर में प्रवेश दिलाने का किया जाता है दावा, प्रशासन के चाक चौबंद में कौन लगा रहा है सेंध। चलता रहा एजेंट का काम तो घट सकती है बड़ी अनहोनी, कहीं असामाजिक तत्व न कर जाए इस रास्ते मंदिर में प्रवेश। सावन का महीना चल रहा है, शिवालयों में भारी भीड़ हो रही है, विशेषकर सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है। इस बीच खबर आ रही है कि मंदिरों में शीघ्र प्रवेश के नाम पर हजारों हजार रुपये लिए जा रहे हैं। बाबा नगरी देवघर के बैद्यनाथ धाम में सावन के दौरान भक्तों की बड़ी संख्या पहुंचती है, बाबा के दर्शन के लिए घंटों लग जाते हैं, लंबी लाइन लगाकर श्रद्धालु मुख्य मंदिर में प्रवेश पाते हैं। इसी समय कई श्रद्धालुओं को शीघ्र दर्शन की लालसा होती है। वैसे बता दें, सभी बड़े मंदिरों में शीघ्र दर्शन का इंतजाम होता है, जहां 200 या 500 में शीघ्र दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। वहीं मंदिर के पुजारी या बाहरी एजेंट कई बार इस व्यवस्था का गलत लाभ उठाते हैं, ऐसा हर मंदिरों में चलता है। उदाहरण के लिए पड़ोसी राज्य के तारापीठ को ले सकते हैं, यहां भी मंदिर में जल्दी प्रवेश के नाम पर 500 से 3000 रुपए तक लिए जाते हैं, हालांकि मंदिर प्रशासन नहीं बल्कि बाहरी एजेंट का काम होता है। उसी तरह बाबा धाम देवघर में भी इन दिनों एजेंट का काम बढ़ गया है, एजेंट हजारों हजार रुपए लेकर जल्दी दर्शन दिलाने के नाम पर ठग रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर की माने तो बाबा बैद्यनाथ धाम में 11,000 रुपए की मांग की गई है। जब दूसरे से पूछा गया तो दूसरे व्यक्ति ने प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए मांगे, कहा गया हमारे पास स्पेशल जुगाड़ है, सीधा मंदिर में प्रवेश दिला देंगे, आपके साथ पुजारी बनकर चलेंगे। एजेंट पूछते हैं आपको दर्शन करना है या नहीं करना, लाइन से आइएगा तो सुबह से शाम हो जाएगा, हमारे साथ चलेंगे तो मिनटों में दर्शन होगा। बता दें सोमवार को 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी थी। सावन के सोमवारी पर शीघ्र दर्शन देवघर प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया जाता है, सभी भक्त एक ही लाइन में आकर बाबा को जल चढ़ाते हैं, लेकिन देवघर में कुछ लोगों के द्वारा शीघ्र दर्शन के नाम पर हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। ऐसा करने से प्रशासन की व्यवस्था में भी सेंध लग रही है, लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सावन के पहले दिन सोमवार को 1.25 लाख से अधिक कंवरियों ने पूजा अर्चना किया, 4 किलोमीटर लंबी कतार बाबा धाम में लगी थी। ऐसे में कई लोग शीघ्र दर्शन करना चाहते थे जो बंद था, जिसके नाम पर बाहरी एजेंट भक्तों को लूट रहे थे। मंदिर प्रशासन भी शीघ्र दर्शन की सुविधा देती है, आप पर्ची कटाकर जल्दी दर्शन पा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में खासकर सोमवारी के दिन ये सुविधा बंद रहती है, सभी को एक ही लाइन में आकर पूजा करना होता है। इसी का मंदिर में मौजूद कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं।